बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम एक नया प्रेजेंटेशन बनाएंगे, तो इसको हम पहले टेम्पलेट बनाए गए इससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप इस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर न्यू क्लिक करें, तो यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज टेम्पलेट के भी मौजूद है, और अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसको भी आप बना सकते हैं। लेकिन हमें नया प्रेजेंटेशन यहाँ से बना सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन, और इसके बाद क्रिएट पर क्लिक की जाती है। लेकिन हम इंस्टॉल टेम्पलेट से एक टेम्पलेट उठाएंगे और इसको अपने स्लाइड्स पर शो करेंगे। बस के यहाँ पर मुख्तलिफ पहले से तैयार की गई तैयार शुदा टेम्पलेट है, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसिंग पावर पॉइंट, ये एक टेम्पलेट है। इसको सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन नमोदार हो जाती है। ये पहले से तैयार टेम्पलेट थे, इसको हमने प्रेजेंटेशन में बना शो कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को हम फुल स्क्रीन पर शो करते हैं, तो इसके लिए स्लाइड शो पर क्लिक करें और यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग स्लाइड शो इस पर क्लिक करें या कीबोर्ड से F5 प्रेस करें। ये पावर पॉइंट की स्लाइड शो है, माउस क्लिक पर भी नेक्स्ट स्लाइड पर चली जाती है। डाउन एरो प्रेस करें या राइट एरो प्रेस करें, स्पेस प्रेस करें या एंटर प्रेस करें तो नेक्स्ट स्लाइड पर चली जाती है। ये एक तैयार टेम्पलेट थी, इसको हमने उठाया और स्लाइड प्रेजेंटेशन पर लगाया। इसी तरह हम एक तैयार टेम्पलेट प्रेजेंटेशन स्लाइड पर इस्तेमाल करके इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसकी टेक्स्ट में एडिटिंग करें तो टेक्स्ट पर आप क्लिक करके खुद अपने पसंद के सेंटेंस लिख सकते हैं।